वेलकम बैक टू द फिल्म कल्चर हिंदी। अगर चैनल वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आज देखते हैं 2022 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर। मूवी के पहले सीन में हमें वीक एक जंगल के रास्ते माउंटेन बाइसाइकिल चलाता दिखता है। वो घर पे आता है, यहाँ सीढ़ियों पे बैठी उसकी वाइफ मेलिंडा स्माइल करती है। वीक उसे पूछता है क्या, पर वो कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। तो ये परिवार अमेरिका के लुइजियाना में रहता था। वीक एक रिटायर्ड रोबोटिक्स इंजीनियर था, वो काफ़ी पैसे वाला भी था। इनकी ट्रिक्सी नाम की एक लड़की थी। मेलिंडा काफ़ी खुले विचार वाली थी, उसके पहले बॉयफ्रेंड्स भी थे। इनकी शादी एक ओपन मैरिज थी। विल बीवी को खोना नहीं चाहता था, तो उनमें एक सीक्रेट डील हुई थी कि विक मेलिंडा को किसी चीज़ के लिए रोकेगा नहीं और बदले में मेलिंडा विक को छोड़ के नहीं जाएगी। अब ये दोनों रात को एक पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ बेबी सीटर चेल्सी आती है। विक अपनी डॉटर से काफ़ी प्यार करता था, वही मेलिंडा ट्रिक्सी को डांट लगाती थी। विक मेलिंडा के लिए पार्टी ड्रेस चुनता है। दोनों पार्टी में जाते हैं, यहाँ इनके कॉमन फ्रेंड्स आए थे। विक अपने फ्रेंड्स ग्रैंट और जोनास से मिलता है, तो मेलिंडा एक म्यूजिशियन जोएल डैश से जा मिलती है, पर यह लड़का मेलिंडा का एक्स बॉयफ्रेंड था। बाहर मेलिंडा जोएल को किस करने लगती है, विक यह देखता है, पर वो पार्टी में लौटता है। विक पार्टी में मेरी नाम की फ्रेंड से मिलता है। वो मेलिंडा के ऐसे बिहेवियर पर दुख जताती है, पर विक उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहता है। पार्टी में मेलिंडा काफ़ी शराब पीती है, वो पियानो पर सॉन्ग प्ले करती है। जोएल भी विक से मिलता है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और तुम काफ़ी कूल हो कहता है। मैं तुम्हारे वाइफ से क्लोज हूँ, पर तुम काफ़ी खुले सोच के हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे विक उसे कहता है, मैंने मेलिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन को मार दिया है, वो भी मेलिंडा के काफ़ी क्लोज आ गया था। जोएल ये सुन डर जाता है। अब जोएल पार्टी से भागता है। मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने उससे ऐसा क्या कहा कि वो पार्टी बीच में छोड़ के चला गया। विक मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे झूठ बोलता है। घर पे विक मेलिंडा को मसाज देता है। विक उसे कहता है, तुम ब्रिलियंट लड़के पसंद करो। इसमें मेलिंडा कहती है, जोएल डम है, पर वो मुझे मेरे होने का एहसास देता है, मुझे खुशी देता है। और क्या तुमने मुझे मेरे दिमाग के लिए पसंद किया था या किसी और चीज़ के लिए, ज़रा बताना। तो गाइज, मेलिंडा काफ़ी खूबसूरत थी और उसका फिगर भी अच्छा था। इस पे विक उसे तुम काफ़ी स्मार्ट हो कहता है। मेलिंडा अपसेट थी, तो वो विक को दूसरे कमरे में सोने भेजती है। तो बेसिकली इनकी मैरिज लवलेस थी। विक यहाँ से अपनी लैब जाता है, उसे स्नेल्स पालने का शौक था। सुबह हमें ट्रिक्सी रोबोट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती दिखती है। ये देख विक खुश होता है। ट्रिक्सी विक जैसी स्मार्ट थी, इसलिए उसकी अपने फादर से अच्छी बॉन्डिंग भी थी। बाद में विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है। यहाँ विक की फ्रेंड उसे कहती है, तुम्हारी मार्टिन को मारने की खबर फैली है, पर ट्रिक काम कर गई है। फिर वो हंसने लगती है, दरअसल वो जोएल की बात कर रही थी। विक का दोस्तों के साथ जोएल को लेकर डिस्कशन होता है। वो समझ जाते हैं कि मेलिंडा के साथ अफेयर करने पर विक ने जोएल को धमकाया है। विक की मार्टिन को मारने की मजे में कही बात अब आस पड़ोस में फैल चुकी थी। विक फ्रेंड से मैं कभी मार्टिन को मिला ही नहीं बोलता है। इन लोगों को विक और मेलिंडा का सीक्रेट पैक्ट पता नहीं था। विक की जोएल से कही बात मेलिंडा को भी समझती है। मेलिंडा मेरे बॉयफ्रेंड्स को रोकने की कोशिश ना करना बोल के विक से झगड़ती है। इस पे विक उसकी मैं स्टूपिड हूँ कह के माफ़ी मांगता है, पर मेलिंडा जोएल को डिनर पे बुलाती है। वो विक को जोएल से माफ़ी मांगने कहती है। डिनर काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से होता है। जोएल जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ कहता है। इस पे मेलिंडा कहती है, हम दोनों तुम्हें वहाँ मिलने आएंगे। आगे विक और मेलिंडा में ड्रिंक्स और खाने को लेकर बहस होती है। मेलिंडा विक को नॉर्मल होने कहती है, और विक कहता है, अगर मैं नॉर्मल होता तो जोएल यहाँ बैठा ना होता। विक माफ़ी नहीं मांगता, तो मेलिंडा बहाना बना के उसे ट्रिक्सी को सुलाने भेजती है। विक ट्रिक्सी को सुलाने जाता है। ट्रिक्सी उसे, मुझे जोएल अच्छा नहीं लगता बोलती है। बाद में विक देखता है मेलिंडा जोएल के साथ बिजी है। विक को गुस्सा आता है, वो किचन में बर्तन फेंकने लगता है। अब मेलिंडा यहाँ आके विक को जोएल के लिए ड्रिंक बना के देती है। दोनों को अकेला छोड़ती है, जिससे विक उसकी माफ़ी मांगे। विक जोएल से मिलता है, उसे ड्रिंक देता है। जोएल पूछता है, क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, तुमने मुझे मार्टिन को मारने की झूठी बात कही थी। इस पर विक माफ़ी मांगने से मना करता है। फिर वो, मैंने तुम्हें सच ही कहा था बोलता है। वो कहता है, मैंने मार्टिन को हथौड़े से मारा था। अब जोएल और भी डरता है। तभी टैक्सी यहाँ आती है, तो विक उसे यहाँ से भागो कहता है। अगले दिन विक और मेलिंडा अपने पड़ोसी डॉन और केली के यहाँ पार्टी करने जाते हैं। डॉन एक स्क्रिप्ट राइटर था, विक आर्मी ड्रोन्स चिप डिज़ाइन करता था, पर अब रिटायर था। अब डॉन मार्टिन के मर्डर की बात पूछता है। इस पर वो एक मजाक था कह के सब फ्रेंड्स हंसी मजाक करने लगते हैं। विक अब केली के साथ डांस करता है। दोनों को देख मेलिंडा जेलस होती है। घर जाते समय वो विक से केली के बारे में गंदे सवाल पूछती है। मेलिंडा इतनी जेलस थी कि वो विक को कार में ही खुश करने की कोशिश करती है। बाद में दोनों सेक्स करते हैं। आगे दोनों ट्रिक्सी के फुटबॉल मैच को देखने जाते हैं। तभी विक को बैंक से कॉल आती है कि मेलिंडा ने पियानो क्लास के लिए $3,000 किसी चार्ली नाम के टीचर को दिए थे। विक चार्ली को चेक करने वो जिस लाउंज में काम करता था वहाँ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ मेलिंडा भी आती है। वो चार्ली को देख हंसते मुस्कुराने लगती है। विक को ये मेलिंडा का नया लवर है समझ में आता है। आगे मार्टिन की मौत जंगल में गोली लगने से हुई थी, ये बात न्यूज़ में आती है।
मेलिंडा भी काफी नशे कर घर आती है, पर मैंने क्या किया अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कहती है। विक जान जाता है कि ये चार्ली के बारे में बोल रही है। विक उसे मार्टिन की न्यूज़ बताता है। ये सुन के मेलिंडा परेशान होती है। अगले दिन लाउंज में ग्रैंट विक को मार्टिन की न्यूज़ देता है। विक को यहाँ चार्ली दिखता है। वो ग्रैंट से ये मेलिंडा का नया पियानो टीचर है कहता है। मेलिंडा अब रात को घर नहीं आती। ये देख विक सोच में पड़ता है कि मेलिंडा ने रात किसके संग बिताई होगी। इस बात को लेकर उसका टेंशन बढ़ता है। सुबह मेलिंडा घर लौटती है। विक उसे चार्ली को मिलना बंद करो, ये सब रोको परिवार का सोचो कहता है, पर मेलिंडा नहीं मानती। आगे जोनास के यहाँ पूल पार्टी होती है। यहाँ विक और मेलिंडा आते हैं, पर यहाँ चार्ली भी आता है। मेलिंडा चार्ली का इंट्रो देती है। यहाँ चार्ली पियानो प्ले करता है। सब नाचने लगते हैं। ये देख विक को गुस्सा आता है। बाद में मेलिंडा चार्ली को विक से मिलवाती है। अब मेलिंडा गायब होती है। विक उसे ढूंढने लगता है। विक चार्ली और मेलिंडा को एक कमरे से बाहर निकलता देखता है। बाद में दोनों पूल में स्विम करने लगते हैं, काफ़ी मस्ती और फ्लर्ट करते हैं। ये देख विक जलने लगता है। कुछ देर में बारिश आती है तो सब अंदर जाते हैं, पर विक और चार्ली वहीं रुकते हैं। डॉन विक को देखता है। बाद में विक अकेले घर में आता है। चार्ली कहाँ गया ये देखने मेलिंडा बाहर जाती है। उसे चार्ली की बॉडी पानी में तैरती दिखती है। वो डर के मारे चीखने लगती है। ये लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं। विक CPR देता है, पर चार्ली मर चुका था। अब पुलिस यहाँ के सवाल करती है। मेलिंडा विक पे चार्ली के खून का इल्ज़ाम लगाती है, पर पुलिस को यह एक्सीडेंटल डेथ लगती है। चार्ली काफ़ी नशे में था तो डूबा, ये बात सब कहते हैं। पुलिस सबको छोड़ देती है, पर डॉन को शक होता है। यहाँ मेलिंडा विक पे बहुत गुस्सा होती है। उसके लवर्स एक एक कर मर रहे हैं और विक कहीं ना कहीं ये कर रहा है, ये वो जान जाती है। दरअसल इसकी बात सच भी थी। चार्ली को विक ने ही पूल में डुबो के मारा था। वो मेलिंडा को लेकर अब काफ़ी पजेसिव था और उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। घर पे विक मेलिंडा से क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो पूछता है। वो कहता है अगर मैंने चार्ली को मारा है तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो मेलिंडा उसे कहती है मैं नहीं डरती क्योंकि मेरे लिए तुमने उसे मारा है। अगले दिन साइकिल चलाते हुए हम विक की सोच को देखते हैं। उसे लगता है कि चार्ली मेलिंडा के साथ सेक्स कर रहा है। फिर गुस्से में विक चार्ली को पूल में डुबो के मार देता है। अचानक एक कार विक का पीछा करती है। विक कार को देखता है। केली बाद में विक से कहती है उसका हस्बैंड पीठ पीछे उसकी बातें करता है, मार्टिन और चार्ली के खून के लिए जिम्मेदार मानता है। विक दोनों को डिनर पे बुलाता है। विक डॉन से इस बारे में पूछता है, पर डॉन के पास जवाब नहीं था। तो डॉन उसे क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट दोगे कहता है। इसमें विक मान जाता है। आगे विक को चेक करने मेलिंडा डॉन के साथ मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करती है, पर विक को जल्द ही पता चलता है कि ये कौन है। वो बैंक स्टेटमेंट से डॉन ने इस इन्वेस्टिगेटर को पे किया था पता लगाता है। वो डॉन से इस बारे में सवाल करता है। डॉन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। आगे मेलिंडा कॉलेज बॉयफ्रेंड टोनी से मिलने लगती है। विक इन्हें देखता है। शाम को मेलिंडा टैक्सी को लेकर टोनी के साथ ब्राज़ील भागने वाली है, ये विक को पता चलता है। शाम को मेलिंडा टोनी के साथ फ़ोन पर बातें करती है। वो टैक्सी को लेकर टोनी के साथ ब्राज़ील जाने वाली थी, ये विक को पता चलता है। उसे गुस्सा आता है। अब टोनी इन्हें मिलने आता है। विक उसे अपने स्नेल्स दिखाता है। मेलिंडा भी टोनी को देख खुश होती है। वो विक से कहती है ये पहला अमेरिकन था जिसके साथ मैं सोई थी। मेलिंडा के बात से टोनी शर्माता है, पर मेलिंडा विक को और जेलस फील करा रही थी। टोनी विक को स्नेल्स पकाने कहता है, पर स्नेल्स जहरीली होती है कहकर विक मना करता है। बाद में मेलिंडा और टोनी पार्टी और डांस करते हैं। मेलिंडा टोनी को भी बेडरूम तक ले जाती है। इनका फ्लर्ट देख विक का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट डे विक टोनी को मेलिंडा तुम्हें अपनी बिल्डिंग साइट दिखाना चाहती है बोल के गाड़ी में बिठाता है। वो टोनी को जंगल में लेके जाता है। यहाँ विक टोनी के सर में पत्थर मारता है। टोनी पहाड़ी से गिर के मरता है। विक उसकी लाश पानी में छिपाता है। टोनी का वॉलेट विक साथ लेता है। घर लौटते समय हम विक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखते हैं। घर पे मेलिंडा और ट्रिक्सी खुश थे। मेलिंडा टोनी का फ़ोन ना लगने से क्या तुमने उसे देखा पूछती है, पर विक ना कहता है। बाद में विक बाहर जाकर कुछ फ़ोटोज़ डेवलप कर घर आता है। विक अब ट्रिक्सी और मेलिंडा के साथ उसी पहाड़ी के पास ट्रिप पर जाता है। टोनी का फ़ोन ना लगने पर मेलिंडा विक के साथ खुश रहने की कोशिश करती है। विक मेलिंडा को चुपके से लिए फ़ोटोज़ दिखाता है। मेलिंडा उसकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देख खुश होती है। विक और मेलिंडा किस करते हैं। अचानक टैक्सी खेलते हुए टोनी के लाश के पास जाने लगती है, तो विक टैक्सी को वापस ले आता है। घर लौटते हुए मेलिंडा मेरा स्कार्फ वही छूटा बोलती है, तो विक कहता है मैं कल सुबह उसे लेके आता हूँ। घर पे विक मेलिंडा को फ़ोन पे देख के क्या टोनी से बात कर रही वो पूछता है। तो मेलिंडा मैं डॉन से बात कर रही थी कहती है। शायद वो डॉन को उसका स्कार्फ लाने कह रही थी, पर यह बात वो विक को नहीं बताती। रात को मेलिंडा और विक साथ सोते हैं। मेलिंडा सैड होकर रोती है। उसे अब विक अच्छा लगने लगा था। वो उसे आई लव यू बोलती है। दोनों हंसने लगते हैं। अगली सुबह विक स्कार्फ लाने जाता है। लाश ठीक से डूबी नहीं थी। घर पे मेलिंडा विक को ढूंढते हुए विक के स्नेल रूम में जाती है। यहाँ उसे टोनी का वॉलेट मिलता है। वो टोनी के साथ क्या हुआ होगा समझ जाती है।
विक लाश को पूरी तरह ठिकाने लगाना चाहता था। वो लाश को और डुबाने की कोशिश करता है, पर वहाँ जंगल से जा रहा डॉन विक को देखता है। विक उसे मैं मेलिंडा का स्कार्फ लेने आया हूँ बोलता है, लेकिन डॉन वो स्कार्फ पहले ही मुझे मिला है कहता है। पानी में अचानक लाश ऊपर आती है। विक को लाश के साथ देख डॉन यहाँ से भागता है। विक उसका पीछा करता है। घर पर मेलिंडा सामान पैक करती है, वो घर छोड़ के जा रही थी, पर ट्रिक्सी सामान को फेंकती है, वो जाने से मना करती है। मेलिंडा भी सोच में पड़ती है। वहाँ पीछा करते हुए अचानक विक डॉन के कार के सामने आता है। एक्सीडेंट रोकने के चक्कर में डॉन पहाड़ी से गिर के मरता है। अब विक घर लौटता है। स्टेयर्स पे बैठी मेलिंडा उसे देख स्माइल करती है। ये सीन पहले सीन से आ मिलता है। वो कहती है मैंने टोनी को देखा। फिर वो टोनी का वॉलेट जलाती है और मूवी यहीं रुकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मूवी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।